जिला कलेक्टर निजामाबाद मिस्टर नारायण रेड्डी ने प्रेस रिलीज में बताया कि निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की निगरानी में महकमे पुलिस, महकमे सेहत, सफाई अमला, आशा वर्कर्स जो कोरोना वायरस से बचाने के लिए क्लस्टर्स में काम कर रहे हैं, कमिश्नर पुलिस मिस्टर कार्तिकया, म्यूनसिपल कमिश्नर जतीश वी पाटिल के हमरा तकरीबी हाल का दौरा किया, जहां 1600 अफराद को तायफ तकसीम किए जाएंगे, जिनमें महकमे सेहत, महसूल का अमला और मीडिया के दोस्त होंगे। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि 12 क्लस्टर्स कायम किए गए हैं। इन तमाम क्लस्टर पर दोपहर के खाने की जिम्मेदारी रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने ली है। ज़िला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने बताया कि कोरोना वायरस के अब तक ज़िले में 61 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं और अभी 80 नमूनों की रिपोर्ट का इंतज़ार है। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस 28 दिनों के बाद भी आ सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन का वक्त 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दिया है। मार्केट में मटन शॉप, सब्जी मार्केट, किराना शॉप की जगह आवाम मोहतात रहे और माशरती फासला कायम रखे और कोरोना की एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। बीमारी से बचने के लिए खुद नज़्म व ज़ब्त का इस्तेमाल करें, मास्क पहना जाए, 1 मीटर का फासला कायम रखा जाए। इस मौके पर प्रभाकर रेड्डी, नोडा चेयरमैन मेयर नीतू किरेन, RDO वेंकैया, ACP रघुवीर भी मौजूद थे।